हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा सेशन रहेगा इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड जो हमारे प्रैक्टिस चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बेस पे क्वेश्चन तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का जो हमारा सेशन है डेली बेसिस पे सुबह आठ बजे इंग्लिश का सेशन आपको मिलता है और इसका पी भी आपको मिल जाएगा अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन स्टार्ट होने से पहले वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और अपना स्कोर जरूर बताएं में आपके कितने क्वेश्चंस जो सही हो रहे हैं और आपका कितना स्कोर इसमें आ रहा है तो लेट स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो पार्ट तो ये हमारा सेशन फ्रेंड जो कल का कंटिन्यू हम जहाँ पे करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को तो आप भी साथ साथ में इसके क्वेश्चंस लगाते जाएं इट्स पार्शली फिनिश देयर इज डैश लेफ्ट नथिंग एनीथिंग एवरीथिंग या समथिंग तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाने कि इट इज़ पार्शली फिनिश देयर इज़ समथिंग लेफ्ट ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आएगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वी शोर दैट एवरी वन ब्रिंग्स हिज आउन बुक शोर हिज ब्रिंग या बी तो जहाँ पे कौन सा जो हमारा प्रोनाउन है वो जहाँ पे बेस्ट रहेगा वी श्योर दैट एवरी वन ब्रिंग हिज ऑन बुक तो इसका राइट right आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिज इस पे जो प्रोनाउन है वो जहाँ पे यूज है वो किया गया है मार्क एंड आई हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड फॉर एयर्स तो जहाँ पे आपने बताना है कौन सा प्रोनाउन है वेरी फ्रेंड आई या मार्क तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि आई जहाँ पे क्या हो जाएगा जो इन सेंटेंसों पे प्रोनाउन का जो अल्टरनेटिव जहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right आंसर इस क्वेश्चन का आएगा आप भी साथ साथ में करें और जी एस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं शाम को वो साढ़े आठ बजे विद इम्पोर्टेंट सेशन के साथ आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एवरी वन हु परचेस्ड वन ऑफ द पेंटिंग वॉज प्लीज्ड एवरी वन प्लीस्ट परचेज नफ दिस तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जानी कि एवरी वन एवरी वन हु परचेज वन ऑफ द पेंटिंग वॉज प्लेस्ड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द लोकल गवर्नमेंट प्लान टू कट इट्स बजट फॉर रिक्रिएशन तो इधर क्या होगा रिक्रिएशन बजट कट ज इट्स द लोकल गवर्नमेंट प्लान टू कट इट्स बजट तो जहां पे प्रोनाउन क्या हो जाएगा इट्स बजट इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा ठीक है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दिस आर माई क्लास नोट्स दिस आर माई क्लास नोट्स नोट्स दिस आर या क्लास तो ऑप्शन नंबर बी दीज आर माई क्लास नोट्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आई फाउंड माई बुक इन द गार्डन बट आई कुड नॉट फाइंड योर्स फाउंड इन गार्डन या योर्स तो राइट right आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि योर्स आई फाउंड माय बुक इन गार्डन बट आई कु नॉट फाइंड योर्स ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा ठीक है इसी तरीके से डेली बेसिस पे शाम को साढ़े आठ बजे जीएस और सुबह आठ बजे जो आपका इंग्लिश सेशन रहता है डेली बेसिस पे आपको मिलेगा और कॉन्टीन्यूसली मिलता रहेगा जब तक आपके एग्जाम ना होते और आपके जेके एस एस एग्जाम्स जो अपकमिंग है उनके लिए और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल रहने वाला है आप भी इन क्वेश्चनों को साथ साथ में करते रहें नेक्स्ट क्वेश्चन आई सा द डॉग विच एट द केक तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा आई सा द डॉग विच ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव डन द होमवर्क माई सेल्फ होमवर्क माई सेल्फ डन याव तो इधर ऑप्शन नंबर बी माई सेल्फ इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा माई सेल्फ नेक्स्ट क्वेश्चन हैव यू एवर हेयर अबाउट दिस हेयरड एवर दिस या अबाउट तो इसका राइट right आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जाने कि दिस इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आएगा विच इज़ योर फेवरेट कार तो इसका राइट right आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे और पूरी पीडीएफ के इसके आंसर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे जो 25 क्वेश्चन का था पूरा सेट इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आप इस पीडीएफ को कंप्लीट जहाँ से प्रैक्टिस लगा सकते हो और कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आएंगे तो ये आज छोटा सा सेशन था इसको शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो के पार्ट में बस इतना ही